नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस है। देश में बड़े बड़े कार्यक्रम भी तो होते हैं, इस साल शायद नहीं हो रहे होंगे, लेकिन मैंने सोचा कि आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाऊं जिन्होंने अपने काम से अपनी पहचान बनाई है। और मुझे लगा कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण दिवस पर एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात करवाता हूँ। आज हम हैं श्री रजत मुखर्जी जी के घर पे, जो कि देवघर के बिलासी मोहल्ले में रहते हैं। आप डाक टिकट संग्रह करता है और पक्षी विशेषज्ञ हैं, पक्षियों के विभिन्न प्रजातियों पर उन्होंने चित्र बनाए हैं और आप धर्मशास्त्र के ज्ञाता भी हैं। धर्म पे उन्होंने चिंतन मनन किया है, उनका उनकी अपनी लिखाई होती है। और आपको बता दूं कि बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं के जानकार हैं। हम चलते हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। और जो हमने आपको पेंटिंग दिखाई और जो चित्र दिखाए उनके बारे में हम उनसे बात करेंगे। तो रजत जी नमस्कार। नमस्कार। तो सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं आपको। डॉक्टर जी की शुभकामनाएं। आप देखिए, सबसे पहले तो मैं उसी चित्र के बारे में बात करना चाहूँगा कि जिसमें आपने चिड़िया को एक चोंच में तिरंगा आपने लगाया है और एक पूरी चिड़िया को आपने तिरंगे से बनाया है, उनके बारे में सबसे पहले तो कुछ बताएं। इसलिए कि उनको अक्सर पक्षी प्रेमी हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, प्रकृति से ही जो कुछ भी हम काम करना चाहते हैं काम करते भी हैं वो प्रकृति से ही रिलेटेड हैं। और बचपन से ये चिड़िया के प्रति, सारे जीव जंतु के प्रति मेरा बहुत प्रेम था। सीधा धीरे धीरे दिन बढ़ता रहा है। फिर चिड़ियों से मेरा इतना प्रेम हो गया था कि उनके लिए एक समय करीब 25-30 साल पहले कुछ चित्र बना। यद्यपि मैं, मेरा कोई नाम नहीं है कि हम यहाँ पे कोई कलाकार हैं, कोई आर्टिस्ट है, ऐसा नहीं। बस बनाना चालू किया तो आज करीब हम छोटे बड़े मिला करके 500 बार्स अपने हाथ से हम स्केच किए हैं। अच्छा। जो हाँ, जो कुछ थोड़ा बहुत हम अपने दरवाजे पर भी लगा कर रखे हैं घर पर जी, आप लोगों के सामने हैं। और इस छोटे से इस चिड़िया से हमें ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार चिड़िया आज़ाद है जी, तो आज आज़ादी का दिन है ना, और हम बहुत बलिदान दिए हैं, बहुत कुछ किया है हमारे भारतवर्ष ने। सबसे पहले बात है कि भारत का रहने वाला हूँ, भारत की भी बात सुनूंगा और वह भारत आज भी मैं मानता हूँ कि है तीत जहाँ की बीत सदा, मैं तीत वहाँ का रहा हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की भी बात जीते हैं। किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है, जहाँ राम अभी तक है नर में नारी में अभी तक सीता है, इतने पावन है लोग यहाँ के, मैं लुटने के सीन दिखाता। रजत जी से बातचीत तो करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, लेकिन आपको ये बता दूं कि रजत जी हिंदी फिल्मों के गानों के ज़बरदस्त गाता है और उन, मुझे लगता है कि उनको हज़ारों गाने जो हैं उनको कंठस्थ हैं, तो आपको सुना सकते हैं और जब तक सुना चाहें। तो आइए रजत जी से बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि अपने बारे में आप कुछ बताएं, कहाँ के, कहाँ आपका जन्म हुआ, जन्म तो मेरा देवघर के है, चूंकि ये मेरा मामा का है, नानी का है, ये जन्म तो बाबा के ग्रोथ में एतवार है और कर्म की यही बाबा जी आप देखिए देवघर में ही है। जो भी कर्म है मेरा आप लोग जान ही रहे हैं कि किस प्रकार क्या क्या काम है। ये मामा घर है तो
जब नाना नानी थे, मेरा पैतृक घर है पुरुलिया, पढ़ाई लिखाई वहीं किया है क्या किया है, लेकिन मेन पढ़ाई की जो सिलसिला बनाए रहते हैं, जो कुछ भी हमने किया है यहाँ देवघर दे सकते हैं, इसीलिए मेरा घर देवघर है। देवघर वासी से मुझे बहुत प्यार है, कोई जाने या ना जाने, लेकिन देवघर के लोगों से हमको इस मिट्टी से प्यार है। तो कहाँ कहाँ पढ़ाई हुई देवघर में, कहाँ कहाँ नहीं, नहीं यहाँ तो इस प्रकार के नहीं, मैंने देवघर बेस्ड हम बाहर की पढ़ाई किए हैं। अच्छा, वहाँ से पढ़ाई होने के बाद हम शिक्षक बने, यहाँ आए थे देवघर में, क्योंकि माँ यहीं रहती थी। हम मेरे पिताजी मेरे 13 साल की उम्र में थी, तो जो कुछ भी हम जानते हैं माँ को जानते हैं। जी, दो बहन दो दीदी थी, एक दीदी आज करीब 30 साल पहले ही एक्सपायर कर गई है, और एक दीदी 1 साल करी हमसे, तो मेरे साथ में है। माँ भी आज करीब 4.5 साल पहले एक्सपायर कर गई है, तो हम दोनों रहते हैं यहाँ पर। अब अफसर है मेरे साथ, मेरा कर्म है, मेरा काम है आप लोगों के साथ। तो पढ़ाई करने के बाद आप जो घर में, हाँ, जो करियर जो होता है, हाँ, क्या आपने, हम काम करते थे नेटलॉन इंडिया, हम तो शिक्षक थे पहले छोटे मोटे स्कूल में, जो भी उन दिनों में जो स्कूल्स था उसमें हम शिक्षक थे जी। बाद में हम चेंज किए हैं, प्रोफेशन चेंज किए हैं, फिर उस प्रोफेशन में भी हम बहुत समय तक नहीं रहा हुआ है। मैं हमारे ट्रांसफर वाली बात हो चुकी थी, हम नहीं जा सकते थे माँ को बांध को छोड़ करके, तो हम फिर देवर में ही फिर आ गए, और कुछ काम कर नहीं पा रहे हैं जीवन में। फिर हम जो आपको बोले, हम थियोलॉजियन के हिसाब से हम पढ़ाई कर रहे थे बाहर से, थियोलॉजी पढ़ रहे, तो उसी दौरान में बहुत सारे चिट्ठी पत्र आते रहते थे। उसी समय हमारे पोस्ट ऑफिस से हमको बहुत कार हो गए, अच्छा मतलब चिट्ठी पत्र आता ही रहता था, तो बस पोस्ट ऑफिस मैं ही थोड़ा बहुत काम करने लगे। पोस्ट मास्टर साहब मेरे मित्र जैसे ही थे, कुछ बड़े भी थे, उनको बहुत सम्मान करते थे हम, आज लोग नहीं रहे, रियासी पोस्ट मास्टर थे, तो उनके साथ हम करीब 20-22 साल हम यहाँ पर गए थे, रियासी पोस्ट ऑफिस में गए थे जी। हालांकि अवैतन ऐसा लोग नहीं मिला हमको डिपार्टमेंट से, फिर उनके चले जाने के बाद आप पोस्ट डाकघर में क्या करते थे? पोस्ट ऑफिस डाकघर में जो भी वो काम बोलते थे, लिखने का जो भी काम करते थे बोलते थे, काम करते थे उनका काम। और बाद में हम फिर चले गए एक पोस्ट ऑफिस में, बोले कि हम लोग का कुछ पोस्टल डिपार्टमेंट का काम होता है, मतलब बाहर में स्कूल कॉलेज में, तो चूँकि हम शिक्षक भी हैं, क्योंकि मेरा एक फिलैटेली होने के कारण, डुप्लीकेट संग्रह होने का कारण, हम स्कूल कॉलेज में जा कर के दिखाते थे उस समय, या चिड़िया का प्रदर्शनी भी स्कूल कॉलेज में देते थे। इन सालों में तो नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए सभी से हमको परिचय था। तो आप सर ये जानना चाहूँगा कि आपका झुकाव इस तरफ चित्रकला की तरफ, चित्रकला डाक टिकट संग्रह के करीब 40-45 साल से जब हम छोटे ही थे, उसी समय से हम ये डाक टिकट संग्रह करते आ रहे थे, लेकिन आज करते 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 ये हॉबी जो है वो लूज हो गया। कितने डाक टिकट कितना पुराना डाक टिकट आपको मेरे पास, आप देख सकते हैं उसमें आप जो टिकट लिए हुए हैं, आप समझ लीजिए कि मेरे पास जो रेवेन्यू स्टाम्प्स है ब्रिटिश टाइम का, जब जिस दिन रेवेन्यू स्टाम्प निकला था जो पृथ्वी पर, उस दिन से आज तक के समय। अभी आपने जो जितने डाक टिकट दिखाए वो पूर्ण है, तो रजत जी आपके पास इतने कितने डाक टिकट होंगे इसमें? गिने तो नहीं है, अब नहीं जा सकता है, फिर भी एक मोट बनाते हैं सब मिला करके, तो जितने मेरे एल्बम्स हैं तो जो बनाया हुआ है बनाया हुआ है उसको ले करके 1 लाख कम से कम अब है। अच्छा, एक बात यह है कि ये डाक टिकटों का संग्रह कर रहे थे, एक आपके पास एक हॉबी थी, लेकिन फिर
एक तो चित्रकारी, फिर उसे पक्षियों को लेकर ही चित्रकारी करना, उनकी विविध जो प्रजातियां हैं उनको, तो इसमें आपकी अभिरुचि कैसे? बोले तो आपको बचपन से देखते आ रहे थे माँ नानी दादी बड़ों को किस प्रकार चिड़िया को दाना देते थे, या उस वर्षीय से कितना प्रेम था, वही हमारे लोग डेवलप हो इसी बार हम जो रात रहा है फिर रहा है एक दिन छिपके उसी पर माँ से पूछे कि हम इस पर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो फिर मेरे फिर तो नहीं है छोटा भाई है वो विदेश में था लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में है, तो वहाँ से हमको कुछ वो मदद किया है इस चीज़ की जानकारी के लिए, फिर हम दूसरों से ये करने लगे। फिर तो हम पढ़ाई किए बनी सोलह जी के बारे में पढ़ाई किए, डॉक्टर सलीम आलि के बुक पढ़ने लगे, उनसे बहुत प्रेरित हो गए, तो फिर चलिए तो किस प्रकार मेरे पास तो थोड़ा कोई कैमरा नहीं था कि हम फोटो भी लें, उसमें जो भी एक कैमरा है वो तो बहुत पुराना है, छोटे मोटे है तो कोई ये काम नहीं हुआ, तो हम अपने हाथ से ही चित्र बनाए, दो चार बनाए, सभी दिखाए, क्योंकि हम टीचर थे स्टूडेंट्स को नीलाम करीब 40 साल से हम पढ़ाए ही रहे हैं, आज भी पढ़ाते हैं, ये अभी ये पढ़ाना भी नहीं था शौक है। तो अभी ये जो पहले हमने थोड़ी सी तस्वीर, फिर धीरे धीरे आपने चित्रों की संख्या भी बढ़ी तो प्रजातियों की संख्या भी बढ़ी, तो उनका आपने कैसे अध्ययन किया? सब वही अध्ययन किया, बुक से आर्टिकल से लोगों से सीखा, फिर उसके बाद हम अपने ट्रेन बनाए उनको पढ़ करके जो भी हम जो अनुभव अच्छा पढ़ के तो जाना सुना था मैं जो साक्षात देखकर सीधे देखकर कितनी प्रजातियों को आपने देखा जो देखिए व्यवहार में भी काफ़ी प्रजातियाँ रहती है पक्षियों भारत पर तो यह कहा जाता है कि 8,500 प्रजातियाँ सारे पृथ्वी मेन उनमें से फिर उपजाते हैं बहुत सारे जो अलग है, तो उनमें से 1200 प्रजातियाँ करीब हमारे भारतवर्ष में ही मिलती है, आज तो कम हो चुका है लुप्त हो चुका है बहुत कुछ, जैसे कि ये चिड़िया जो है आपका जिसको कहते हैं वो तो करीब नहीं दिखता, बचे हुए में से क्या दिखता है ना कौवा दिखता है जो कमन मैना है, यहाँ पे लोग बोलते हैं जो हम बांग्ला में शादी बोलते हैं वो दिखता है, कुछ कबूतर दिखता है, आकाश में कुछ चिंगी कम ही दिखाई देता है दिखता है, आपका बगुला कुछ बगुला है घेरा दिखाई पानी के पास रहता है वे सारे। अच्छा ऐसा भी हुआ क्या कि कहीं से आपको पता चला किसी ने बताया कि यहाँ पे ये चिड़िया इस सबकी नई चिड़िया दिखी है नई प्रजाति की, तो आप हाँ आके गए हो देखने? हाँ उस समय एक समय था कि हम दवा में जाने जाते थे हम तो नहीं जा पाते हैं, मेरे साथ यहाँ सदा साथ दिया आपका धनंजय खवाड़े नारायण खवाड़े जो टूनोजी कहते हैं जो कहाँ कहाँ गाँव गाँव में घूम करके बहुत सारे काम किए हैं, तुम भी जैसा मिल करके तुम हम अकेले की बहुत सारे काम किए हैं गाँव में, कपड़ा बांटना गाँव के बच्चों के पास जाकर के लोगों से कुछ उनको कुछ बताना ये सारी चीज़ें है किए हैं बहुत सारे काम, तो फिर तो तुमने अपना तुम जो है मेरे छोटा भाई है वो अपने काम में लग गया, अब इन दिनों में क्या है 3 साल से करीब ये दोनों आंखों में ही आपका यह ग्लोकोमा हो गया जी, तो ग्लोकोमा के कारण तो कम दिखता है दोनों ही, एक आंख तो करीब साइलेंट है अरे में 50-60% उसमें तो काम नहीं कर पाते, आना जाना हो या बाजार जाना या तो सब सारे काम लेकिन फिर भी हौसला है तो कि अच्छा कितनी प्रजातियों को हमने अभी तक चित्रित किया है? करीब सब जब 500 बर्ड्स नहीं बोल सकते हैं तो आप एक दिन हम पूर्ण रूप से आप लोगों को दिखाना चाहेंगे स्टूडेंट्स को। अच्छा ये बताइए कि आज है स्वतंत्रता दिवस
तो सबको स्वतंत्र रहना जो है रहना चाहिए। तो जब चिड़ियों को विभिन्न पक्षियों को लोग रखते हैं पिंजरों में या गर्भों में, तो आपको क्या लगता है कि देखिए रखना चाहिए या नहीं रखना? बात यह है कि देखिए कोई भी चीज़, हम विश्वास रखते हैं कि कोई भी चीज़ किसी को सिखाया नहीं जा सकता है। हम लोग में है ना कि कहावत में है कि आप अपनी आचरण कर, अब जो आचरण करते हैं वही आपका काम है। आप अपने आचरण से ही दिखा लीजिए, यदि कोई इंस्पायर्ड होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, तो चलिए उनको भी आपका भी आनंद है, उनको भी समझ में आ जाता है, क्योंकि जागरूकता बोल करके हम नहीं समझते हैं कि बहुत कुछ किया जा सकता है। अच्छा, आप ये बताइए कि बहुत सारी प्रजातियों को सरकार जो है प्रतिबंधित करती है कि इनको आप नहीं रख सकते, तो मुख्य रूप से प्रतिबंधित कुछ आपके पास अगर है जानकारी तो बताएंगे हमारे जो शब्द। देखिए कोई भी चीज़ हम देखते हैं कि घर में कभी हम गए थे बहुत सब पहले अचानक देखे देखिए बाजार में तो छोटे छोटे हमिंग बर्ड्स हैं जिसको हम लोग सन बर्ड कहते हैं, एकदम छोटे से जो मिल गया है ना, अढ़ाई इंच तीन इंच का है, जो जिसको चोंच बहुत लंबी होती है, तो वो उसको भी हम एक दिन देखा करते थे, लोग पिंजरे में देखा कि चलते थे हम वो छप्पन छप्पन देखिएगा वो फूल के अंदर बैठते हैं तुरंत बैठते हैं तुरंत चले जाते हैं करते ही। तो इनको बनना चाहिए इनकी। अच्छा फिर जो है जो शौक़ है आपका तोता पैटर्स का बहुत सारे, खास करके ये चंदना नाम का जो ये है पैरट है, जो गले में आपका लाल रंग का रिंग है वो वाला, तो इनको तो नहीं रहना चाहिए, इनको नहीं पकड़ना चाहिए। सरकार तो बहुत कुछ मना करती है, क्योंकि तो अपना कोई काम भी है और उनका दायित्व भी है, लेकिन हम अगर ना माने तो हम लोग क्या करें? लोगों को तो इनकी नहीं रखना चाहिए, वो तो आज़ाद है, वो नैसर्गिक जगत में आज़ाद है, पूरे आकाश उनका है, तो हमें कैसा लगता था आज के दिन हम जो मना रहे हैं, आज हम गाते हैं, आज हम बोलते हैं कि अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, हम सर कटा सकते हैं, सर झुका सकते हैं, आज तो कुछ काम उनको हम आज़ाद क्यों नहीं रहने देते? इसीलिए हमने इसी थीम को लिया है कि उनकी आज़ादी की हम क्या करते हैं, जिस प्रकार के लिए आज़ाद रहते हैं तो हम उनकी आज़ादी की है, आज आज़ादी का सांस लेते हैं। रविन्द्र ने कहा था कोई आकाश आमार मुक्ति हो जा रही, हम उसे आज़ादी में ही तो मेरी मुक्ति है, तो मुक्त हो गए हम लोग, फिर किसी को हम बंधन में क्यों डाल। तो जो सामने अभी अपने पीछे जो चित्र हैं, तो कुछ चित्रों के बारे में बताएंगे कि ये कौन कौन सी प्रजाति के हैं। ये किंग फिशर, थोड़ा सा ये रहा किंग फिशर जिसको कहता बंगला में माछरंगा कहते हैं, जो अचानक वो कोई ताली पर बैठ के रहते हैं, फिर बैठ करके तुरंत वो डूब मार देते हैं पानी बहुत मछली लेने करके चल जाते हैं। हालांकि किंग फिशर के लिए एक बहुत सुंदर कहावत है, मछली तो सभी चिड़िया खाती है लेकिन बदनाम केवल किंग फिशर ही है। एनीवे और करीब दो तीन मत है देखते हैं हम इसका, किंग फिशर का सारे संसार में पाए जाने वाले हम समझते हैं ये 84 स्पीसीज है, और कोई किसी जगह में देखता है कि 90 स्पीसीज है, और ये तो हम ये बनाया है सेफ ट्रीज बनाया है, क्योंकि एनवायरमेंट से काम करते हैं तो चलिए पेड़ पौधे को बचाए। फिर देखिए ये तोता बनाया है, इस तोता को बना रखिए पेपर कटिंग करके तोता बनाया है, ये कैट बॉय करना है, ये एक हक है, ये ईगल का ही प्रजाति है, ये देखिए ईगल, ये उसी ईगल का प्रजाति है, फिश हक है, ये क्या करती है ये ताकतवर चिड़िया है, दूसरे बड़ी चिड़िया या ईगल या कोई ये लेकर चले आते हैं मछली अगर उठा करके लेके चलते हैं तो इसको डिस्टर्ब करके उसे बहुत सही अच्छी करते हैं,
या तो गिर जाता है तो तुरंत ये उठा लीजिए। इसी प्रकार बहुत अच्छा प्रक्रिया है जो आप देख सकते हैं, यह है रेड स्टार। ये जो तो ये आपने पक्षियों के बारे में बताया, डाक टिकट के बारे में बात की, और आपकी जिंदगी से जुड़े हुए कोई महत्वपूर्ण पहलू है जिसको आप बताना चाहें? किस प्रकार का बता रहे अभी जैसे आपने बात नहीं है, मेरे लिए सब कुछ एक समान कर्म करते हैं, एक समान काम है, तो महत्वपूर्ण बात नहीं है, सभी को हम एक समान सम्मान देते हुए काम किए हैं और काम करते हैं। एडमिट तो नहीं कर पाते हैं सही ढंग से, लेकिन सबको एक समान प्यार देकर के हम व्यक्ति किए हैं, तो ये मेरा क्रिएशन है तो जिसके कारण सबसे समान प्रेम है। हालांकि हमको तो जीवन में अब लोग पूछते हैं क्या पाए क्या पाए, इनसे हमको कोई मतलब है क्योंकि हम ठीक कर लिए हैं कि आबाद नहीं बर्बाद नहीं गाता हूँ खुशी के। तो सलाह पूछना चाहिए, इतना जो आपने संग्रह किया है ये चित्र बनाए, तो आप तो अकेले हैं मेरे ख्याल से, आपने विवाह भी आपने नहीं किया है, तो ये किसको सौंपना चाहेंगे, किसको देखे जाएंगे, ये ऐसा क्या करने की योजना है? देखिए मेरे पास कोई इस ढंग से कोई सीखा एक दो स्टूडेंट्स जो है जो पढ़ते हैं आज उन दोनों को कुछ लिखा, एक ग्रेजुएशन लास्ट है लास्ट सेमिस्टर में है, हमें एग्जाम देगी और एक अभी लास्ट पास करके फर्स्ट ईयर में भर्ती हुई है, दोनों ही बच्चों से मेरे पास पढ़ती है और चार पढ़ती है, तो कुछ तो उन दोनों को हम सीखा है। मैं एक बात सीधे जैसे क्या होता है, आदमी जीते जी जो है अपना अंग दान भी करता है, जैसे आंखें दान करता है, तो आपके जो ये धरोहर है इसको किसको दान, मैंने ये बच्चे आगे भी देखे हैं कि अमृत पी के तो कोई नहीं आया है कभी ने कभी, जब भी आ तो ये कौन संभालेगा, किसको देंगे? देना तो हम चाहते थे कोई म्यूजियम टाइप का अगर धरोहर में बनता किसी को, यानी कि तो फिर अपील आप कीजिए झारखंड सरकार से एक म्यूजियम बने, आप सीधे अपील देवघर में वैसा कोई म्यूजियम बने, हम अपील करते हैं सरकार से, हम सलाह रहे हैं कि चूंकि हम एनवायरमेंट पर काम करते हैं, पर्यावरण पर लिखते हुए हैं, लोग भी जानते हैं बहुत नहीं जानते हैं लेकिन ट्रेन चुके हैं प्रकृति से, और जानना तो बहुत मुसीबत की बात है, बहुत ही मुश्किल की बात है, क्योंकि ये विराट प्रकृति एक ज्ञान की पुस्तक है, तो यह हो नहीं सकता है कि हम पूरे पेज पढ़ लें, लेकिन जो भी प्रभाव लिखते हैं पढ़ते हैं इसी वातावरण इसी एनवायरमेंट पर ही हम काम करते हैं। हम चाहेंगे कि सरकार क्या तो आप पे क्या चाहते हैं, म्यूजियम बने तो अपील करें आप भारत सरकार से झारखंड सरकार से, या जो पक्षी जो प्रेमी हैं डाक टिकट प्रेमी हैं आप सीधे आप अपील कीजिए। अपील कर ही रहे हैं कि आप भारत सरकार से भी और हमारे ये झारखंड सरकार से, क्योंकि एक म्यूजियम बनना चाहिए देवघर में, ताकि जो भी आर्टिस्ट हो या जिनके पास भी ये संग्रह है वो वहाँ पर रख सके, हम तो साधारण आदमी हैं, हमसे तो कुछ हुआ नहीं, इसलिए हम चाहते हैं कि मेरे पास जो कुछ भी है जो कुछ भी धरोहर है हम इतने समय से हम करते आ रहे हैं, आज हम अक्षम हैं तो हम दे देना चाहेंगे, चूँकि हम देने के बाद ही तब फिर लोग इनका फायदा उठा सकेंगे, लाभ लेना ले सकेंगे, स्टूडेंट्स देखेंगे, बच्चे देखेंगे, बड़े देखेंगे और शायद आनंदित होंगे इस बात से देख करके, क्योंकि पहले हम जाया करते थे स्कूल कॉलेज में जाया करते थे, इन सालों में हम नहीं जा पाते हैं। तो रजत मुखर्जी जी अपने इस संग्रह को लेकर बच्चों को सिखाते थे, बच्चों को भी जाते थे, अब शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, तो
तो इसलिए चाहते हैं कि संग्रहालय बने। अब चाहे भारत सरकार बनाए, झारखंड सरकार बनाए, या जो पशु पक्षी प्रेमी हैं, डाक टिकट प्रेमी हैं, जो भी चाहे बना सकते हैं, ताकि ये धरोहर जो है संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे। तो स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर इस बातचीत को यह विराम देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि सभी स्वतंत्र रहें, सबको स्वतंत्र रहने का अधिकार है, सभी स्वतंत्र रहें, और स्वतंत्रता का जो मूल मंत्र है उसको हम बार बार याद रखें। और इसके साथ ही हम इस बातचीत को समाप्त करते हैं। जय हिंद बोलने के पहले मैं चाहूँगा कि रजत दा कुछ गुनगुनाएं इस स्वतंत्रता पे, अब पशु पक्षियों पे अगर बात हो तो और अच्छी बात होगी। पशु पक्षी पे तो बात तो हर जगह होती रहती है, और पशु पक्षी तो मेरे दीवाने गया है, उनके लिए करके हम चले हैं इतने समय से और चलते आ रहे हैं। जब तक लेंगे निश्चित रूप से उनके काम हम करने के लिए प्रयास करते रहेंगे। और गुनगुनाने की बात जहाँ तक होती है, हम तो गायक भी नहीं है, हम तो बोले हम आर्टिस्ट भी नहीं है, हम गायक भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कभी हम हमारे पंडित रंजीत राय चौधरी जी से सरोज सिंह बनते थे पाँव, और जो आज भी हम मेरे पाँव के कारण हम अपने ही बजा पाते हैं, पाँव लाने सरोज जी रखा हुआ है। तो संगीत से प्रेम है, बहुत प्रेम है, खास करके हिंदी संगीत का जो लिरिक है उससे हमको बहुत प्रेम है। ऐसे गाते नहीं हैं, गायक हम है नहीं, मन जब जितने भी हम काम किए हैं, जो भी काम करते हैं, तो खुद गुनगुना के ही करते हैं। कौन सुनता है, कौन नहीं सुनता है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। आप सभी सुनेंगे, आप सभी खुश रहते हैं, बस इसी खुशी गाना गाते हैं। आज तो ये दिन है आपका स्वतंत्रता के दिन है, लोग स्वतंत्र हैं, हमारे इस देश की, इस देश के लिए कुछ कर दिन गुणवान है ना, सारे काम तो हमारे इस देश के लिए ही है। इसलिए तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुआ को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुहा तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझे दिल कुर्बान। जय हिंद।